नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके YouTube चैनल एग्री BHU1 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने अगर हमारी तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो है लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, अतः आपसे अनुरोध है कि लास्ट तक वीडियो को वॉच करें। आइए स्टार्ट करते हैं। आज है पेस्ट ऑफ पैडी की आज हम बात करते हैं। तो एक नया पेस्ट है पैडी लीफ हॉपर, जिसको ग्रीन लीफ हॉपर भी कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, इसकी दो स्पीसीज़ होती है। पहली स्पीसीज़ है निफोटैटिक्स वायरसेंस, सेकेंड इज़ निफोटैटिक्स निग्रोपिक्टस। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, फैमिली की बात करें दोस्तों तो इसका फैमिली है सिकाडेलिडाई। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर है हेमिप्टेरा। ये बहुत ही सीरियस पेस्ट है जो कि राइस में बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करता है। इसको जो है जितने भी राइस ग्रोइंग जो भी रीजन्स हैं इंडिया में, सभी जगह ये पेस्ट जो है पाया जाता है। राइस ग्रीन लीफ हॉपर या ग्रीन लीफ हॉपर भी इसको कहते हैं। एडल्ट की बात करें तो एडल्ट जो है स्मॉल ग्रीन साइज का होता है, जो कि इसका वेडजेस शेप होता है। हिंड लेग जो है इसके 1 और 2 स्पाइंस पाए जाते हैं हिंड लेग्स पर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसकी इमेज की बात करें दोस्तों तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है हिंड लेग्स पे जो है 1 to 2 स्पाइंस इसके पाए जाते हैं। अब बात करते हैं निफोटैटिक्स वायरसेंस और निफोटैटिक्स निग्रोपिक्टस में जो है बेसिक डिफरेंस की बात करें दोस्तों, तो निफोटैटिक्स वायरसेंस जो है इसका एडल्ट जो है स्मॉल साइज़ का होता है और ग्रीन कलर का होता है, देख सकते हैं आप हैं, और एक ब्लैक स्पॉट इसके एपिकल पोर्शन के फोविंग पे जो है ये पाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसके फोविंग पे जो है ब्लैक स्पॉट पाया जाता है और साथ ही साथ 2 ब्लैक स्पॉट इसके मिडिल पोर्शन के फोविंग पे जो है पाए जाते हैं। और इसका जो है सबसे बेसिक डिफरेंस की बात करें तो इसमें जो है जो ब्लैक डिजिटल पोर्शन जो है एक्सटेंड अप नहीं होता है इसमें, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसका जो है ब्लैक डिजिटल पोर्शन जो है एक्सटेंड अप नहीं करता है, एक ही जगह फिक्स रहता है। अब बात करें सेकेंड निफोटैटिक्स निग्रोपिक्टस की, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इसका एडल्ट जो है डार्क ग्रीन कलर का होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, और साथ ही साथ एक ब्लैक स्पॉट इसके एपिकल पोर्शन पर पाया जाता है जो कि इसके फोविंग पे होता है, और 2 ब्लैक स्पॉट जो हैं इसके ब्लैक स्पॉट इसके मिडिल ऑफ द फोविंग पे पाए जाते हैं। और ये जो है एक्सटेंडिंग करता है, इसका जो ब्लैक डिजिटल पोर्शन है वो फोविंग पे ये एक्सटेंडिंग करता है, एक से दूसरी जगह जो है मूव कर सकता है। तो ये है इसका बेसिक डिफरेंस दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो इसका सबसे बड़ा एक और बात इसमें है कि इसको जो है कॉमन नेम में, लोकल नेम में इसको जो है बिना हिजाऊ भी इसको कहा जाता है, ग्रीन लीफ हॉपर को या पैडी लीफ हॉपर को, बिना हिजाऊ। और ये जो है नेक्स्ट की बात करें तो ये जो है सक करता है लीफ को, स्टेम को, साथ ही साथ राइस ग्रेन को, जिससे कि राइस जो है उसकी बाली जो है बालियों में दाने जो है इम्पटी हो जाते हैं, पड़ते नहीं हैं। और इसकी बात करें डैमेज की तो इसका निम्फ और एडल्ट जो है दोनों जो है डैमेज कास करते हैं, वायरस डिजीज़ कास करता है, जिसका नाम है टूमरो डिजीज़, जो कि निफोटैटिक्स वायरसेंस के द्वारा होता है। लीफ जिसके वजह से लीफ जो है येलोइश हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, और साथ ही साथ सूखने लगता है और ग्रीन स्मॉल हो जाते हैं, स्ट्राइल हो जाते हैं, और प्लांट जो है सूख जाता है, मर जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में, ग्रीन लीफ हॉपर जो है के वजह से जो है राइस प्लांट इन्फेक्ट हुआ है, जो कि राइस ट्यूमरो डिजीज़, देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, राइस ट्यूमरो डिजीज़ की वजह से जो है प्लांट जो है बिल्कुल सूखता जा रहा है, देख सकते हैं आप है बिल्कुल। बात करते हैं नेक्स्ट, तो ग्रीन लीफ हॉपर जो है ज़्यादातर जो है इरिगेटेड वेटलैंड जो इन्वायरमेंट होते हैं, एरियाज होते हैं, उसी जगह ये ज़्यादातर पाए जाते हैं, लेकिन 3 to 18 के ग्रुप में, जिसमें 3 to 5 डेज का टाइम लगता है। निम्फल स्टेज जो है, बात करें निम्फल स्टेज की इसके, तो इसका निम्फल स्टेज 12 to 21 डेज में कम्प्लीट होता है। एडल्ट की लाइफ की बात करें तो 7 to 12 डेज होता है, और इसमें जो है इसके लाइफ साइकिल पूरा करने में 6 ओवरलैपिंग जनरेशन पर ईयर में जो है पाए जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं।
अब दोस्तों बात करते हैं कंट्रोल मेजर की। तो फील्ड के हार्वेस्ट करने के बाद जो है उसको ड्राई करने के लिए छोड़ देना चाहिए, जिससे उसके नीम पेडल सब नष्ट हो जाएं। और सेकंड है, क्रॉप के जितने भी प्लांट पार्ट के जो भी रेसिड्यू हैं उसको हार्वेस्टिंग करने के बाद फुल्ली उसको जो इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट है उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। और जो एरिया ज़्यादा सर्वेयर डैमेज हो उसमें जो है इंसेक्टिसाइड का जो है यूज़ करना चाहिए सीडलिंग के 1 वीक बाद, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और जो भी इंसेक्टिसाइड है उसका डोज जो है उसमें जैसे यूज़ करते हैं 0.1% कार्बारिल है और या जाइमिथोएट है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इनको यूज करना चाहिए। अब बाई कंट्रोल एजेंट की बात करें दोस्तों, तो इसमें निमेटोड पैरासाइट है जिसके नीम फॉर एडल्ट को यूज़ किया जाता है। जैसा देख सकते सकते हैं आप हैं यहाँ दोस्तों, राइस प्लांट जो है अफेक्ट होने की वजह से देखिए यहाँ लीव्स जो है बिल्कुल ड्राई होती जा रही है, सूखती जा रही है, प्लांट जो है डेड होता जा रहा है। और वायरस पार्टिकल्स अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल छोटे छोटे स्पॉट्स की तरह दिख रहे हैं। अब बात करते हैं, अब इससे रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि मैं अपने आपसे कहा था, तो दोस्तों आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, विच इंसेक्ट्स आर वेक्टर फॉर राइस टिंगरो वायरस। दोस्तों ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे JRF SRF जो भी ICAR के एग्जाम हो या फिर बैंक FO एग्जाम हो, तो आप लोग इसको याद रखिएगा अच्छे से। पहला ऑप्शन है निफोटैटिक्स निग्रोपिक्टस, सेकेंड इज़ नीला पारवाटा ल्यूगेंस, थर्ड इज़ हाइग्रोग्लाइफस बनियान, फोर्थ इज ओरसियोलिया ओराइजी। इसका राइट आंसर है निफोटैटिक्स निग्रोपिक्टस। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो ETL इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल फॉर ग्रीन लीफ हॉपर इन टूंगरो एंडेमिक एरिया। इसका फर्स्ट ऑप्शन है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसका फर्स्ट ऑप्शन है 2 NOS पर हिल, सेकेंड इज़ 5 NOS पर हिल, थर्ड इज़ 10 NOS पर हिल, फोर्थ इज़ 15 NOS पर हिल। इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो 2 NOS पर हिल है। अब यहाँ मैं आपको कुछ फैक्ट दिखा दूँ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, 2 NOS पर हिल टुंगरो एंडेमिक एरिया के लिए यूज़ होता है, 5 NOS पर हिल की बात करें तो वेजिटेटिव एरिया के लिए स्टेज के लिए है, और 10 NOS की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं फ्लावरिंग स्टेज के लिए है, 16 NOS की बात करें तो ये जो है 25 स्वीपिंग नर्सरी एरिया के लिए है। तो ये कुछ फैक्ट थे, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक्स एज अ वेक्टर फॉर ट्रांजिटरी येलोइंग डिजीज़ की बात करें, तो निफोटैटिक्स निग्रोपिक्टस पहला है ऑप्शन, सेकेंड इज कोफाना स्पेक्ट्रा है, थर्ड इज नीला पारवाटा ल्यूगेंस है, फोर्थ इज सिर्फोफागा इंसर्टुलस है। इसका राइट आंसर है निफोटैटिक्स निग्रो पिक्टस। तो दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिग जैग स्ट्राइप्ड लीफ हॉपर बिलोंग टू फैमिली। लीफ हॉपर या ग्रीन लीफ हॉपर किस फैमिली से बिलोंग करता है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है एलिडीडेई, सेकेंड इज पेंटाटोमीडेई, थर्ड इज सीसा डेलीडेई, फोर्थ इज डेल्फा सीडेई। इसका राइट आंसर है सीसा डेली डेई, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यूज ऑफ सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड्स मे कॉज रीसुगरजेंस ऑफ सकिंग पेस्ट। पहला ऑप्शन है वीट, सेकेंड इज राइस, थर्ड इज मेज, फोर्थ इज सोरघम। इसका राइट आंसर है दोस्तों राइस। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।